दीपक कुमार, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करेंगे, फ्यूचर रिटेल की बात करेंगे, यानी टोटल फ्यूचर ग्रुप के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इसमें आगे का पैटर्न बन रहा है, क्या करना चाहिए आगे और क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं। एक्चुअल में जो न्यूज़ आ रही है उसका शेयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और आने वाले कब तक, आने वाले समय में कब तक इसमें हमें सुधार देखने को मिलेगा, टोटल डिस्कशन करेंगे। प्लस रिलायंस का भी इसमें एक न्यूज़ हम लेकर चलेंगे, रिलायंस के एक अपडेट लेकर चलेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री में फिर से एक बार बंटवारा हो रहा है, जैसे कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में बंटवारा हुआ था, फिर से एक बार मुकेश अंबानी जी बंटवारा करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसे कि हर बार हम करते हैं, एक बार प्राइसेस पे नज़र डालते हैं, तो प्राइसेस देख लेते हैं। एक बार फ्यूचर रिटेल की अगर बात करेंगे तो आज भी थोड़े से दबाव में बंद हुआ है, और अगर इसकी ओपन की बात करें तो 68.75 रुपये, लेकिन लो को अगर देखें तो 67.50 रुपये और 67.80 रुपये के आसपास ही बंद हो जाता है। वहीं अगर फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी FEL की हम बात करें तो ओपन होता है 9.10 रुपये पे और हाई जाता है 9.15 रुपये का, और अगर मैं लो की बात करूँ तो 8.70 रुपये का लो लगाकर 8.85 रुपये के इर्द गिर्द बंद हो जाता है। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की, तो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड अगर मैं देखूँ तो आज ओपन होता है 7.15 रुपये पे और वहीं हाई लगाता है 7.20 रुपये का, लो के आसपास 7.05 रुपये पे बंद हो जाता है। तो ये होगी प्राइजेस की बातें। प्राइजेस की बातें तो होती रहेंगी और आप देख भी सकते हो, लेकिन चलते हैं अब चार्ट पे और कुछ समझने की कोशिश करते हैं चार्ट में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक आधे इंडिकेटर लगाऊंगा, वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा टेक्निकल, यहाँ पे मायने नहीं रख रही हैं। तो चार्ट को कर लेते हैं, FEL के चार्ट को थोड़ा सा जूम, और जैसे कि हर बार की तरह मैंने इस बार भी कह रखा है कि भैया 8 रुपये का इसका जो लेवल है ना वो बहुत क्रूशियल है, 8 रुपये का लेवल नहीं टूटना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि ये कुछ दिनों से, जैसे कि अगर मैं देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों से ना एक रेंज बाउंड घूम रहा है 9.50 रुपये को से लेकर 9.70 रुपये के बीच में, यानी 9.50 रुपये लेकर 9.50 रुपये के बीच में, हम मान रहे हैं 1 रुपये के बीच में ये उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? देखिए, अब फ्यूचर ग्रुप में और भी क्या बुरा होगा, इतना बुरा हो गया, अब जितना मर्जी बुरा से बुरा न्यूज़ आ जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ निकल कर आई है, ये न्यूज़ अगर मैं बात करूँ तो आज का बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है और लेटेस्टली 9 नवंबर का है। तो यहाँ पर देखिए, फ्यूचर ग्रुप फाइल्स लॉ सूट अगेंस्ट अमेजोन इन दिल्ली हाई कोर्ट टू स्टॉप ई कॉमर्स मेजर फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द 24/7/13 करोड़ रिलायंस फ्यूचर डील। तो यहाँ पर रिलायंस फ्यूचर डील में जो इंटरफेयर कर रहा है अमेजोन, उसको इंटरफेयर ना करे ऐसा कहना चाह रहे हैं अमेजोन ग्रुप के किशोर बियानी जी। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किशोर बियानी जी, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बात, तो किशोर बियानी जी हाई कोर्ट गए हैं। क्यों गए हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में उन्होंने अपील लगाई है कि अमेजोन ने जो SICA की आड़ में, जो सिंगापुर कोर्ट की आड़ में, आर्बिट्रेशन की आड़ में जो गंदा खेल खेल रहा है, जो रिलायंस के डील को रोकना चाह रहा है, उसको रोका जाए, कहा है। क्योंकि देखिए, अमेजोन का एक्चुअल मेन मकसद है ना, जो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का डील है उसको रोक दिया जाए, और हमें कुछ पता भी नहीं है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। क्या पता फ्यूचर ग्रुप के मन में क्या चल रहा है, क्या पता फ्यूचर ग्रुप ही चाह रहा हो कि वो अमेजोन के साथ उसकी डील हो जाए। अभी कुछ कन्फर्मेशन हम नहीं दे सकते, कुछ कन्फर्मेशन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं अभी लंबा समय लगेगा और लंबे समय तक हमारे जो शेयर प्राइजेज है वो यहीं पर सफ़र करते रहेंगे, इस रेंज बाउंड में रहेंगे। लेकिन अगर कुछ अगर बुरा न्यूज़ आता है, जैसे कि क्या बुरा न्यूज़ हो सकता है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि अमेजोन ने हाई कोर्ट में नोटिस दिया है, अमेजोन ने हाई कोर्ट में या इंडिया के हाई कोर्ट में बात किया है, तो इंडिया के हाई कोर्ट ने अगर डील पर रोक लगा दी, अभी तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने लगाया है, इंडिया के हाई कोर्ट ने डील पर रोक लगा दी, तो वो बुरा न्यूज़ हो सकता है। और बुरा न्यूज़ क्या हो सकता है, अमेजोन कोई और पेनल्टी ठोक दे, कोई और पैसे का मांग कर ले, जैसे कि 14,500 करोड़, उसके बाद भी और भी ज़्यादा पैसा कह दे, हरजाना कुछ मांग ले, उन सब वो सब बुरे खबर। तो यहाँ पे जितना बुरा होना चाहता था ना,
और फ्यूचर ग्रुप के साथ हो चुका है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे वन डे का चार्ट लगा है और ये प्राइस अगर आप देखोगे तो ज़्यादा पुराना नहीं है, नौवा महीना 2001 का प्राइस है, सॉरी नौवा महीना 2020 एक तारीख का प्राइस है, यानी नौवा महीना नहीं सितंबर, 22 रुपये का शेयर। 22 रुपये से किस तरह से ये टूटता हुआ हमें नीचे के लेवल पे दिख गया है ना। तो नीचे के लेवल पे बहुत ज़्यादा ये आ गया जितना आना चाहिए था। अब इसको कुछ खोने के लिए इसमें कुछ नहीं है, अब यही है कि बस इसमें तेज़ी आनी चाहिए और प्राइस में एक बार तेज़ी हमें दिखनी चाहिए। तो अब अच्छी खबर का ही वेट है कि CCI का अप्रूवल आ जाए। मार्केट वांट्स ओनली CCI अप्रूवल, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर CCI अप्रूवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वही बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। लेकिन रिलायंस इतना सारा फंडिंग उठा रहा है, इतना सारा फंडिंग उठा रहा है। अगर मैं रिलायंस की फंडिंग की बात करूँ तो देखिए, रिटेल ठीक है, आर रिटेल फंडिंग अगर मैं देखूं यहाँ पे फंडिंग, तो इतना ज़्यादा अप्रॉक्स 47,000 करोड़ रुपए का फंडिंग उठा लिया है। तो देखिए यहाँ पे PIF, आपको पता ही होगा, PIF ने यहाँ पे, सऊदी की कंपनी PIF ने यहाँ पे पैसा दिया है और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा फंड इन्होंने रेस कर लिया है अब तक। तो अगर मैं बात करूँ तो नीचे थोड़ा सा चलते हैं, और अप्रॉक्स 47,000 करोड़ तक इन लोगों ने फंडिंग कर ली है, रेस कर लिया है फंड। तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत धांसू न्यूज़ है रिलायंस रिटेल के लिए। तो अब यहाँ पर अंबानी जी भी समझ रहे हैं, मुकेश अंबानी जी समझ रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इनको अब अपने बिजनेस का बंटवारा कर देना चाहिए। जो टेक कंपनीज़ हैं, जो इनके रिटेल कंपनीज़ हैं, सारे सबका सब अब ये चाह रहे हैं कि इनको सबको ये बंटवारा कर दे। किसके बीच में कर दे? तो आप सबको पता, अपने बच्चों के बीच में, जैसा कि आकाश, ईशा और अनंत के बीच में अपने बिजनेस को वो बांटना चाहते हैं। तो अब अंबानी जी अपने उत्तराधिकारी की योजना बना रहे हैं कि कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, तो क्या बिजनेस किसको मिलेगी। फिलहाल देखिए, जो इनका मेन बिजनेस था पेट्रोकेमिकल, क्रूड ऑयल की रिफाइनरिंग, तो उस तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा अभी इन्होंने कम कर दिया है और प्लान कर रहे हैं कि अपने इनकी आने वाली अगली पीढ़ी, जो कि ज़्यादा समझदार और ज़्यादा नॉलेजेबल है टेक लाइन में, वो संभालें। जैसे कि टैक्स में रिलेटेड हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, आर रिटेल हो गया, या फिर जियो हो गया, तो इन लोगों के हाथ में वो देना चाहते हैं। अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ, हाँ बिल्कुल, न्यूज़ में आया हुआ था कि कोई ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं आया हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने बिजनेस को उन लोगों के हाथों में सौंप दें। अच्छा, फ्यूचर रिटेल में क्या बन रहा है अगर मैं बात करूं, तो एक बार चलते हैं फ्यूचर रिटेल की चार्ट पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के पास फ्यूचर रिटेल भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है ना। तो फ्यूचर रिटेल को भी एक बार हम देख लेते हैं, उस पर भी नज़र दौड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने डे चार्ट लगा लिया है और देखिए, जैसे कि हर बार की तरह ये भी अपने एक रेंज बाउंड रहेगा, 60-60 रुपीज़ के रेंज के बीच में घूमता रहेगा ये। वन सेकेंड। तो अभी एक क्लाइंट का कॉल आ गया था, नेचुरल गैस में बाइंग की स्ट्रेटजी पूछ रहे थे, तो मैंने उनको यही बताया कि 13 रुपये के ऊपर अगर ये मिलता है ना, फिर ही बाइंग करना है, अभी बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, 12 रुपये 80 पैसे का इसका सपोर्ट लेवल है, यानी रेजिस्टेंस अभी के लिए, क्योंकि नीचे से हिट कर रहा है तो रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक बार 12 रुपये 80 पैसे के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो उनको मैंने कहा 13 रुपये 20-30 पैसे में एक बार आप बाय करिएगा, तो आपको 218 रुपये का टारगेट, आज का हाई तोड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये भी आप नज़र रख सकते हो आज के मेरे कॉल पर नेचुरल गैस में। तो चलिए, हम फ्यूचर रिटेल पे थे, तो फ्यूचर रिटेल के एक बार चलते हैं फ्यूचर रिटेल पे, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस रेंज की। तो भैया ये जो रेंज है ना, इसके लिए देखिए काफ़ी क्रुशियल रेंज है, और कितनी बार यहाँ से मुड़ गया है, 1 टाइम, 2 टाइम, दैट्स 3 टाइम, 4 टाइम, अभी तो यहाँ पे चल भी रहा है।
तो एक बार 65-65 का इसका रेंज काफ़ी क्रुशियल है। तब भी हम एक बार कहते हैं कि अगर 62-63 एक बार तोड़ता है तो हमें सोचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी न्यूज़ पे ही शेयर है, ये न्यूज़ जिस तरह से आएगा उस तरह से ये रिएक्ट करे। अच्छे न्यूज़ आ जाए, कुछ अच्छा अभी नहीं दिख रहा जब तक कि CCI की अप्रूवल नहीं आती है। तो देखते हैं CCI का अप्रूवल कब आता है और कितने दिनों में आता है, जब तक के लिए हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। फ्रेश बाइंग हाथ जोड़ के विनती है, इसमें मत बनाइएगा। हमने बताया था आपको रिलायंस में फ्रेश बाइंग के लिए, जिन्होंने बाइंग किया था काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट में है, तो अभी इसमें आप फ्रेश बाइंग मत बनाइएगा। नीचे के लेवल में अगर 55-55 रुपए मिलते हैं फिर हम बाइंग कर सकते हैं फ्यूचर रिटेल में, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल बाइंग को अवॉइड करना है। जो पुराने आपके पास पड़े हैं उनको कैरी करते रहिए। तो होप करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।